हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 मार्च 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो आज के जो हमारे कुछ क्वेश्चन से पहले उनको हम गौर करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे आया है, हिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच रूलर वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ए लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कुहा विच इज कॉल्ड होज ए सुल्तानी और द किंग रिजर्वर्स। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। क्वेश्चन है क्या, देखो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से शासक ने दिल्ली के आसपास जो बड़े बड़े मतलब रिजर्वर्स हैं जिसने बनाए थे, जिनको एक्चुअली दिल्ली है कुहा या फिर होज ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। तो देखो ऑब्वियसली ये काम किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। होज ए कुआ, कुआ का मतलब देखो हिंदी में क्या होता है, कुआ, वही कुएं की या वेल की हम जिसे बात कर सकते हैं, वही बात यहाँ पे की गई है। इल्तुतमिश ने दिल्ली के आसपास बड़े बड़े कुएं वगैरह हैं उनका निर्माण किया था। होज, होज का मतलब होदी या उस तरीके से हम इसको कनेक्ट है वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएगा कि उन्होंने दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर बड़े बड़े वाटर रिजर्व्स हैं वो बनाए थे, जिनको एक्चुअली दिल्ली ए कुहा या फिर होज ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेके। क्वेश्चन ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें कौन सा सही एक्चुअली से एक्सप्लेन है वो करता है। तो देखो आपके दिमाग में होगा कि भी ओपन मार्केट ऑपरेशन होते क्या हैं। देखो आरबीआई क्या करती है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस है ना इनका यूज है वो करती है। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं वैसे आरबीआई के पास, जो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह, बट एक मेथड आरबीआई के पास होता है मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब आप देखिए इन चारों में से ओपन मार्केट ऑपरेशन को कौन सा सही एक्सप्लेन है वो कर रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने कह रहा है बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, दूसरा कहता है लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और तीसरा कह रहा है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबो। अब देखो यहाँ पे बात की गई है कि हमें सोचना एक बात देखिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखो मैं आपको बता दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है कि आरबीआई है ना जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है ना इनको सेल करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है इसका मतलब क्या करेगी, आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद लेगी, क्योंकि देखो ये हो गया आरबीआई और ये हो गया मार्केट। अगर आरबीआई मार्केट से सिक्योरिटी को खरीद रही है इसका मतलब क्या होगा, आरबीआई लोगों को या मार्केट में पैसा निकालेगी, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ऐसे ही टूल है वो काम करता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी हो तब आरबीआई चीज़ों को जो सिक्योरिटी वगैरह होती है गवर्नमेंट की उनको खरीदती है, और जब मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना हो तो आरबीआई क्या मार्केट में सेल करती है, क्योंकि जो ही आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी इसको सेल करेगी तो जो मार्केट का पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। तो ये मेथड यहाँ पे यूज है वो होता है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन कौन सा मेथड इसमें यूज है वो किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, आरबीआई है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इनसे मनी सप्लाई को कंट्रोल है वो करती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीद लेती है, अगर बढ़ानी जो कम करनी होती हैं तो जो आज मनी सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं इनको एक्चुअली मतलब वापस है बेच दिया जाता है या खरीद दिया जाता है, ये मेथड यहाँ पे यूज वो होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें पेड़ दिए गए हैं, हमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मोन्यूमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे लोकेशन दी गई हैं, और हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है। पहला दिया गया यहाँ पे हवेली ऑफ आगा खान, इसका हम जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आगरा, दूसरा दिया गया है रानीपुर झारेली टेम्पल, ये दिया गया है पिथौरागढ़, तीसरा दिया गया है निमराना बावड़ी, ये दिया गया अलवर, चौथा दिया गया है हाथी खाना, ये दिया गया है जयपुर। हमें पूछा कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है। अब देखो आपके दिमाग में आएगी यार इतने सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्मारक हैं हमारे देश में, अब हम कौन से याद रखें। तो देखो ये सारे के सारे न्यूज़ में भी इसलिए थे क्योंकि 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 मॉन्यूमेंट्स से हमारे देश के जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा है वो दिया था। तो कौन कौन से 6 हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 को किया था। एक तो है इसमें जो नागपुर का हाईकोर्ट है उसकी जो पुराने वाला जो हाई कोर्ट है ओल्ड हाई कोर्ट की बिल्डिंग वो उसको, दूसरा था यहाँ पे मुगल इरा के माउंटेन मुगल इरा के जो मॉन्यूमेंट्स थे आगरा में जैसे कि हवेली ऑफ आगा खान हुआ, ये इसके साथ ही आगरा के अंदर एक हाथी खाना है उसको भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा दिया गया था। मतलब हाथी खाने वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया, वो उसमें जयपुर नहीं है तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद में दिया गया है यहाँ पे एंशियंट की जो निमरना बावड़ी है वो है अलवर में। इसके साथ यहाँ पे बात आती है रानीपुर झारेली जो कि उड़ीसा में है,
तो ये आपको ध्यान में रखना कि रानी झारली जी जो टेम्पल हैं वो उड़ीसा के अंतर्गत हैं। इसके साथ ही विष्णु टेम्पल हैं जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आते हैं। तो ये छः के छः मोन्यूमेंट्स हैं जो को न्यूज़ में थे, इसलिए यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है। बाकी जो न्यूज़ में हो या कुछ इंपॉर्टेंट हो, कुछ अलग थलग हुआ हो, तभी उस पर क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो काफ़ी सारे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, ऐसा थोड़ी हम सबको रटने बैठेंगे एक साथ। तो हमें इनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यह जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका मोटो यह है कि वुमेन को या वुमेन या फीमेल है उनको हाइजीन और हेल्थ के लिए एजुकेटेड करना, इसके साथ ही उनको लो कॉस्ट और फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन से वो प्रोवाइड करवाना और रूरल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को आगे ले जाना, ये इसका मोटो है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, यह हमारे देश की तीन ऑयल मार्केट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिसमें एक तो आती है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक आती है BPCL, एक आती है HPCL। इन तीन कंपनी ने मिलकर बेसिकली जो इनका CSR होता है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत इन्होंने उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ताकि मोटो वही है, मोटो इसका यही है कि वुमेन और फीमेल हाइजीन है, हेल्थ है, इसके लिए कि उनको एजुकेट करना, अवेयर करना, इसके साथ ही लो कॉस्ट फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स है वो प्रोवाइड करवाना और रूरल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को आगे लेके जाना। क्योंकि देखो जो लो कॉस्ट जो सैनिटरी पैड्स बनाए जाएंगे वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से ही इकोनॉमी के द्वारा बनाए जाएंगे, मतलब जगह जगह पर सेंटर खोले जाएंगे, वहीं पर लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनाए जाएंगे, फिर वहाँ पर महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और वो आपस में उनको सेल वगैरह करके अपनी रोज़गार डेली दिनचर्या वो चला सकती हैं। अब देखो इसमें ये डाट इतना तो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है हमें कि 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर की हेल्प से। पित्ती ये मेनली जो इनिशिएटिव है ये आपको बता दूँ उड़ीसा से स्टार्ट है, वो किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट है वो हुआ है। ये ध्यान रखना है किसका पार्ट है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गए हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट था, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर को लेके। पहला आपके सामने दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। दूसरा ये कह रहा है कि जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ना, ये वल्चर यानी कि गिद्ध की तीन स्पीसीज होती हैं, एक तो होता है वाइट बैक्ड, एक होता है लॉन्ग बिल्ड एंड एक होता है शेल्डर बिल्ड। अब ये कह रहा है कि इन तीनों को एक्सटेंड या लुप्त होने से बचाने के लिए है प्रोग्राम है। हमें यहाँ पर पूछा करेक्ट कौन सा है, तो देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नहीं है, ये एक्चुअली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था, और इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS जो कि एक NGO है, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट है वो किया था। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि जो गिद्ध की तीन स्पीसीज होती हैं वल्चर की, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको कंजर्व करना, उनकी ब्रीडिंग है वो करना, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए 5 एकड़ का एरिया वगैरह, देखो ये तो आगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल हाईवे 22 के पास में, तो ये छोटा सा फैक्ट जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आज का आर्टिकल आया है वह है ई सहज पोर्टल को लेकर। देखो ई सहज जो पोर्टल है ना, वो मिनिस्ट्री कौन सी है, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये एक इनिशिएटिव या पोर्टल है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि हमारे देश में जो इंडिविजुअल या जो प्राइवेट कंपनी है ना, जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए काफ़ी वेट करती हैं। देखो पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, अगर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना है तो उसको काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि मैनुअल प्रोसीजर होती थी। तो पहले एप्लीकेशन है वो जाती थी डिपार्टमेंट से फिर मिनिस्ट्री में, तो कई बार अटक जाती थी और कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती थी। तो अभी क्या कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कि एक पोर्टल ही बना दिया कि भाई आपको जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह चाहिए आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, आपको उसी के अकॉर्डिंग तुरंत सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह जो टाइम लिमिट है उसके निर्धारित पैमानों के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करें, जैसे कि कुछ सेंसिटिव सेक्टर होते हैं हमारे देश में, जैसे मान लो कि कोई फॉरेस्ट का एरिया वहाँ पे माइनिंग करनी हो, या फिर कोई गोल्ड की माइनिंग करने के लिए कोई कंपनी आई हो बाहर से, या फिर हम बात करें एक तरीके से कोई न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में कोई कंपनी काम करना चाहती हो, या फिर कोई कंपनी बारूद या जैसे विस्फोटक जैसी सामग्री बनाना चाह रही हो, तो कुछ भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज हो सकते हैं, वहाँ पर लाइसेंस लेना हो, उनको परमिट लेना हो, परमिशन लेनी हो, कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करनी हो, तो उन सब के लिए जो क्लियरेंस वगैरह है सिक्योरिटी का वो ई सहज पोर्टल के द्वारा मिल जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है ई सहज पोर्टल है क्या।
एक तरीके से बैलेंस है वो क्रिएट करके रखेगी, सिक्योरिटी और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं हमारे देश में उसमें भी हमें काफ़ी बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लगातार रैंक है वो बढ़ती जा रही है, और इसके लिए काफ़ी अच्छी बात भी है कि इंडिया और अच्छा माहौल है इन्वेस्टर्स के लिए बना के रखें, ताकि इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं और ज़्यादा आएँ और इंडिया में और ज़्यादा बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश हैं वो हो सकें, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे प्रणाम या प्रणम आयोग के बारे में, है क्या ये आयोग हम देखते हैं। देखो प्रणम आयोग की फुल फॉर्म है यहाँ पे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। अब ये है क्या, ये ध्यान रखना आपको, असम की गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये कमीशन स्टार्ट है वो किया है। इस कमीशन के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो ध्यान रखना जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है ना, केवल यहाँ पे बात की गई है अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी जिनके घर में बूढ़े माता पिता हैं या फिर उन पे कोई डिपेंड उनका छोटा भाई बहन जो कि दिव्यांग कैटेगरी में है, उसको बेसिकली इसके तहत फैसिलिटी प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। अब इसमें प्रावधान ये किया गया है कि भाई जो उसके ऊपर डिपेंड है ना, जो भी सिक्योर मतलब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड जो उसके माता पिता हैं या फिर उसके छोटे भाई बहन हो या बड़े भी हो सकते हैं जो कि दिव्यांग हो, मतलब उस पर डिपेंड ऐसी सीधी सी बात ही है, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा देना होगा। मतलब इसमें प्रावधान किया गया कि 10 से 15% जो उसकी सैलरी है ना उसका हिस्सा उसे प्रोवाइड करवाना होगा, वो मना नहीं कर सकता, अगर वो मना करता है तो उसके हिस्से की सैलरी काट के उसके बूढ़े माता पिता या फिर जो उस पर निर्भर दिव्यांग भाई बहन है उनको दे दिया जाएगा। मतलब उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने माता पिता या फिर जो उन पर डिपेंड पर्सन है उनकी देखभाल कर सकें, तो एक तरीके से यह सोशल सर्विस के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो अभी तक तो यह केवल स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर अप्लाई है वो किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है 29 को लेके हैं, 29 की फुल फॉर्म यहाँ पे है अंडरटेकिंग नेशनली रिलेवेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब है क्या, देखो बात ऐसी है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी है ना इसको बनाए हुए 33 साल कंप्लीट हो चुके थे, तो इसी मौके पे अटल जन अनुसंधान बायोटेक मिशन है वो स्टार्ट किया गया था, मतलब जन अनुसंधान मिशन है वो स्टार्ट किया गया था और उसकी ही उस मिशन का ही नाम है यहाँ पे 29, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये है क्या, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में हेल्थ एग्रीकल्चर एनर्जी सेक्टर है ना इसमें आगे आने वाले 5 सेक्टर में काफ़ी अच्छे ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म है वो लेके आने हैं। जैसे छोटे छोटे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके जिसमें एक ये प्रावधान किया गया है गर्भ इनिशिएटिव है गर्भ इनी, ये है कि हमारे देश में मेटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ है ना इसको प्रमोट करना, इसके साथ ही जो बर्थ के टाइम पे जो एक तरीके से काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है माताओं की डेथ हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। दूसरा है यहाँ पे NDCP, ये इनिशिएटिव इसलिए है कि हमारे देश में अफोर्डेबल वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है टीकाकरण है वो हो सके, इसके साथ ही हमारे देश में क्या होता है एंडेमिक डिजीज, देखो एंडेमिक डिजीज वो होती हैं जो केवल मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं, ऐसा नहीं हो कि हर एरिया में वो डिजीज होती हैं, तो एंडेमिक डिजीज़ के लिए अफोर्डेबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना, इसके साथ ही जो फूड फोर्टिफिकेशन हुआ जिसे हम पोषण अभियान के बारे में जानते हैं वो सब प्रोवाइड करवाना, ये इसका एक पार्ट है। इसके साथ ही एक है यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक मतलब एक तरीके से रोग का निदान हो सके और जो उसके लिए ट्रीटमेंट है थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाई जा सके, ताकि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उनके खिलाफ एक्शन से वो ली जा सके। एक है इसमें क्लीन एनर्जी मिशन का मतलब यह है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हमें अच्छी टेक्नोलॉजी है एंड क्लीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना है, तो ये है 29 प्रोग्राम, तो यह हमें ध्यान में रखना है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।